पात्रा के लिए। समित पात्रा जो थे सिर्फ गांधी परिवार के आसपास और अपने जीजाजी रावण वाड्रा के आसपास अटके हुए थे, क्योंकि एक जीजाजी जो हैं रावण वाड्रा हैं समित पात्रा के, और एक माताजी जो हैं इटालनी मतलब इटली की रहने वाली माताजी सोनिया गांधी है। बस इन्हीं की बुराई कर करके इनकी दुकान राजनीति की चलती है। ओएनजीसी के डायरेक्टर बना दिए गए, ओएनजीसी को घाटा आ गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए खबर 24 के लिए भी आपके बीच में। जी हां, जो खबर आजाद पर न डल पाएगी तो खबर 24 पर डल जाएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल खबरों की बाढ़ आने वाली है। यूट्यूब ने जितनी पाबंदियां लगाई हैं उन पाबंदियों को मैं तोड़ देने वाला हूं, क्योंकि मुझे बस आप तक वो खबर पहुंचानी है जो खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, जिसके बारे में विश्लेषण आपको नहीं दिखाए जाते। विश्लेषण दिखाना हर एक उस पत्रकार की जिम्मेदारी, हर एक उस जागरूक नागरिक की जिम्मेवारी है जिसके अंदर कुछ अकल है और वो विश्लेषण की क्षमता रखता है। अब यही बात जब आ जाती है तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है जब अमीश देवगन की बहस में वही डिबेट फिर चल जाती है, असंसदीय भाषा संसदीय भाषा और इन चीज़ों के बारे में जब बात होने लगती है, और अलका लांबा जब सामने होती हैं और समित पात्रा जैसा धूर्त व्यक्ति वहां मौजूद होता है अमीश देवगन जैसे गुल्लू भैया के साथ, तो मज़ा आ जाता है उस डिबेट को देखने में कि बड़े सहमे सहमे से और चपटे चपटे से बैठे रहते हैं ये सारे के सारे लोग। और थोड़ा नाटकीय नहीं होना चाहता था, थोड़ा आपके मनोरंजन के लिए कभी कभी नाटकीय होना जरूर होना पड़ता है। डिबेट में अलका लांबा, समित पात्रा, अमीश देवगन, अधीर रंजन का जिक्र आता है। अधीर रंजन बोलते हैं कि भैया शिक्षा ली है, पढ़े हैं, इन शब्दों को सीखा है, जिन शब्दों पर रोक लगाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है, जिन शब्दों को मतलब रचा जा रहा है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं वो गलत हैं। अधीर रंजन चौधरी का अपना एक रवैया होता है, अगर अपना एक अपना व्यू है, और साथ में फिर जब ये बहस शुरू होती है 3 मिनट 30 सेकंड का ये वीडियो भी देख लीजिए और उसके बाद हमारा विश्लेषण। अगर ये बोलेंगे करप्ट सोनिया गांधी तो हो सकता है वो करप्शन हटा दिया जाएगा, अगर वो बाल बुद्धि के आगे बाल बुद्धि राहुल गांधी बोल देंगे तो हो सकता है बाल बुद्धि हटा दिया जाए, केवल बाल बुद्धि बोलेंगे तो नहीं हटेगा, केवल अरे बाल बुद्धि केवल बोलेंगे तो नहीं हटाया जाएगा, अगर कंटेक्स्ट वैसा होगा कि जिससे उसकी मीनिंग ठीक नहीं जाएगी तो उसे हटा दिया जा सकता है, क्योंकि पीछे भी हटाया गया था सोनिया गांधी जी को करप्ट बोला गया था तो कांग्रेसियों ने इस पे आपत्ति जताई, एक सेकंड, आपत्ति जताई थी तो करप्शन हटाया गया था। एक मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, सब लोग चिल्लाते रहते मेरे बीच में, थोड़ा निर्बाध मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई आप समझा करो, पहले जो था डिबेट इन विषयों पे क्यों नहीं होता था, क्योंकि कोई 1,86,000 करोड़ खा गया है, कोई 4,00,000 करोड़ खा गया है, जीजाजी वहां हरियाणा में घोटाला करके बैठे हैं, तो डिबेट उन विषयों पे गंभीर विषयों पे होते थे। ये बाल बुद्धि, ये शेर कितना मुंह खोलेगा, शेर का 3 दांत क्यों दिखा, 1 दांत कहाँ चला गया, इस विषय पे डिबेट नहीं होता था पहले। आप सोचिए देश के अच्छे दिन आ गए हैं कि कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, इसलिए बाल बुद्धि और शेर के दांत के ऊपर डिबेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समित आपने अपनी बात को रखा। अलका लांबा, देश की ये अच्छे दिन है तो इस विषय पर चर्चा हो रही है, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। अनुराग मुझे पता है आपको समय मैंने कम दिया, मैं आपको दूंगा समय, मेरा वादा है। अजय आलोक और आपको अलका लांबा। नहीं देखिए संबित पात्रा जी से एक बात पूछिए, जब इस देश में तानाशाही तरीकों से फैसले थोपे जाएंगे, भूमि अधिग्रहण कानून, कृषि कानून, तालेबंदी, नोटबंदी, जीएसटी, अग्निपथ, तो तानाशाह को तानाशाह नहीं किया जाए कहा जाएगा विपक्ष द्वारा, तो क्या कहा जाएगा, और कहा जाएगा तो तानाशाही तरीकों से आवाज दबाई जाएगी, तो तानाशाही तरीकों को तानाशाह तरीकों से दबाएंगे तो तानाशाह को तानाशाह नहीं कहा जाएगा, भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। क्या इन्होंने कफन में दलाली खाई थी या नहीं खाई थी, पीपी किट में इन्होंने दलाली खाई नहीं खाई, देश के साथ नोटबंदी में जुमला शब्द अमित शाह जी का है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख आएगा, वो तो जुमला था, आज हम उसी प्रधानमंत्री को जुमला जी भी कह रहे हैं, इनको मिर्ची लग रही है, हम उन्हें तड़ी पार कहते हैं इन्हें मिर्ची लगती है, हम उन्हें महिलाओं की जासूसी करके भागने वाला कहते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, देश जानना चाह रहा है 8 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की दूसरी बार सरकार है, 2G 3G कोलगेट कॉमनवेल्थ, कितने लोग सलाखों के पीछे डाले आपने, आप सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, और ये गांधी परिवार जो है अंग्रेजों से ब्लैकमेल नहीं हुआ, सावर की तरह माफी नहीं मांगी, अब संघियों के साथ बड़ा आरोप लगाया कि ब्लैकमेल करते हैं, आपने कहा ये ब्लैकमेल करते हैं, समय पास था 30 सेकंड रिस्पांस, देन अजय आलोक है, आपके हाथ में कुछ लगा नहीं जाएगा,
डराना चाहते हैं गांधी सावरकर नहीं है, नहीं डरेगा नहीं, लाइए चुनौती है अलका लांबा की, चुनौती कहां से डरेगा, वो तो है ही नहीं इंडिया में, डरेगा कहां, सरकार जजों को डराती है धमकाती है, वो तो है ही नहीं इंडिया में, कौन नहीं है इंडिया में, जस्टिस लोहा की हत्या आपने मामला दबा दिया, जस्टिस एक सेकंड मुझे ये बार बार जो है आपको बेनकाब कर रहा था, कौन नहीं है इंडिया में, पीछे नागपुर में किसका, अनुराग भदौरिया भी इंडिया में है, पात्रा भी इंडिया में है, सब इंडिया में है, जो चर्चा कौन है सब देशी, ये आपने देख ली होगी पूरी बहस, थोड़ा लिपसिंग में थोड़ा सा गलत आपको लगा हो, लेकिन पूरा बहस सुना कीजिए, यूट्यूब का ये नया नियम है, कोई भी वीडियो ओरिजिनल मत डालिए, आवाज़ आगे पीछे कर दीजिए, तो थोड़ा सा आप साउंड तो लोगों को पहुंचेगी, भले ही लिपसिंग का अंतर हो जाए, इतना बर्दाश्त कर लेते हैं दोस्तों सच्चाई सुनने के लिए और सच्चा आंकलन सुनने के लिए, कि जिस तरह से अलका लांबा ने आज पूरी एक सांस में जज लोया लोया हो या सारी चीजें हो, वो जो बोलती चली गई अपने प्रभाव में, वो वाकई में बेमिसाल था अलका पात्रा के लिए। समित पात्रा जो थे सिर्फ गांधी परिवार के आसपास और अपने जीजाजी रावत वाड्रा के आसपास अटके हुए थे, क्योंकि एक जीजाजी जो हैं रावत वाड्रा हैं समित पात्रा के, और एक माताजी जो हैं इटालनी मतलब इटली की रहने वाली माताजी सोनिया गांधी हैं, बस इन्हीं की बुराई कर करके इनकी दुकान राजनीति की चलती है, ONGC के डायरेक्टर बना दिए गए, ONGC को घाटा आ गया, लेकिन किसी मीडिया चैनल की हिम्मत है कि इनसे कोई सवाल कर पाता, लेकिन अलका लांबा को आज क्लैप्स देने पड़ेंगे कि अलका लांबा ने जो विषय था उस विषय के बीच में वो सारे मुद्दे घुसा दिए, जिसको देख करके मतलब उल्लू जैसी आंखें झपका रहे थे संबित पात्रा, और अमीश देवगन के हाथ से जो थी हाथ के कंट्रोल से अमीश के कंट्रोल से चली गई थी वो सारी बातें, मैं बता नहीं सकता, बड़ा हतप्रभ था ये क्या बोल रही हैं अलका लांबा, और अलका लांबा बोलती चली गई, गोल दागती चली गई, और अलका लांबा ने यहाँ पर अपने आप को श्रेष्ठ साबित जो कर दिया। जी हाँ, यही अलका लांबा की खासियत है, अलका लांबा फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस की, इनके बारे में सब जानते हैं। कल रूबिका लियाकत की डिबेट पर भी भारी पड़ी थी, और अब भारी पड़ गई संबित पात्रा पर। संबित पात्रा रो रो करके कहते हैं ना कि जब किसी पार्टी के नेता पर जवाब नहीं होता उन बातों का जो आरोप लगाए गए अलका लांबा ने, अच्छा अलका लांबा का ये वीडियो क्लिप में दोबारा डालता हूं, क्या बोल रही है अलका लांबा ये सुनिए। अलका लांबा ने जो बोला तो लग रहा था कि संबित पात्रा एकदम ऐसे मूड में आ गया जिसके पास कोई जवाब ना हो तो वो क्या बोलने लगता है, तेरा बाप चोर, तेरी मां चोर, तेरी ये सब, सेम हालत थी संबित पात्रा की। कोई ऐसी बात नहीं करते हैं संबित पात्रा जब भी आते हैं बहस में, जोकर जैसे लगते हैं, और ऐसी बात नहीं करते जिसका कोई मतलब प्रूफ हो या कोई प्रमाण हो। ये बात तो तय हो गई, संबित पात्रा जो थे अलका लांबा के आगे मूर्ख नजर आ रहे थे और रोते हुए नजर आ रहे थे, या यूं कह लें कि अलका लांबा ने जिस तरह से घेरेबंदी की, उस जाल में फंस करके छटपटा करके रो पड़े संबित पात्रा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके लिए आजाद हिंद आवाज के लिए खबर 24 के लिए। दोनों ही चैनल शुरू हो चुके हैं दोस्तों, और थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि खबर 24 को इसलिए जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी अब जो आने वाले वीडियो ब्लॉग्स हैं वो थोड़े और आक्रामक होते चले जाएंगे।